उड़ान गजल के आगे की पंक्तियां हम पढ़ेंगे। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जबान होती है। बस हथेली हमारी हमको धूप में साहिबान होती है, एक भरे को एक गुंगा दे जिंदगी को बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। जैसे कि कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाएं ज्यादा रखता है या जिनके जीवन का लक्ष्य या जो व्यक्ति जीवन में अधिक काम करता है उसे उतनी ही अधिक थकान होती है। जैसे कि दूसरे पंक्तियों में कवि कहना चाहता है जो जीवन में कम बोलता है उसे उसकी आंखें ही उसका जुबान होती है, उसकी भाषा होती है, वह उसके आंखों में उसका काम हमें दिखाई देता है या अनुभव दिखाई हमें देता है। जैसे कि आगे कवि हमें यही कहता है कि हर आदमी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करने के लिए जैसे झट से हल निकलता है, जैसे कवि ने एक उदाहरण भी दिया है, वह क्या कहते हैं, जैसे कि हमें धूप में जब हम बाहर निकलते हैं और हमें अपने शरीर को धूप से तकलीफ होती है तो झट से हम क्या करते हैं, अपने हाथ से ही क्या करते हैं, उसकी छाया बनाते हैं या छज्जा या साहिबान हम बनाते हैं, छज्जा बनाते हैं। यानी कि हम मुश्किलों का झट से उसका हल निकाल लिया। उसी तरह हमें जीवन में मुश्किलों पर विजय पाना होती है या विजय हमें पाना चाहिए। और उसे जैसे कि कवि ने और एक उदाहरण इतना सुंदर दिया है, जैसे कि वह कहते हैं जो धनुर्धारी होता है, वह धनुर्धारी वो क्या करता है, अपने उस कमान को कान तक उसे उस को खींचता है। जितने वह पीछे खींचेगा उतना ही वह आगे जाएगा। उसी तरह हमें जीवन में उसी तरह लक्ष्य रखने चाहिए, जैसे कि जितना हम अपना लक्ष्य मिलता है या मिलने तक हम प्रयत्न वाले हमें होना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। जितना यानी कि जीवन यानी कि अर्थ उसका क्या है कि अपनी अपने जीवन के लक्ष्य को उतना ही, जैसे कि धनुर्धारी जिस तरह कमान को खींचता है उसी तरह लक्ष्य को हमें खींचना चाहिए। और उसी तरह जीवन में उतने ही लाभ हमें मिलते हैं, यानी कि जितने हम लक्ष्य रखते हैं उद्देश्य रखते हैं उसी तरह हमें लाभ भी मिलते हैं। और कवि ने शायर के बारे में कहा है, जैसे कि शायर की शायर का जीवन धूप दान जैसा होता है। धूप दान यानी क्या, जैसे कि वह पात्र जिसमें धूप या सुगंधित द्रव्य जलाया जाता है वह जलता है लेकिन पूरे वातावरण को वह सुगंधित करता है और उस सुगंधित द्रव्य सभी को आनंद देता है। उसी तरह शायर भी
अपने द्वारा लिखी गई जो काव्य है, कविताएं हैं, गजल है, उसके द्वारा लोगों को भी आनंद देता है। इसलिए हमें अब हमें जीवन में कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए, और जो प्रयास करता है ऐसे ही व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास होता है, और उसी तरह हमें जीवन में उसी तरह प्रयास करने चाहिए।